गुड न्यूज़ है, एक खुशखबरी है हम सब के लिए। वो क्या है कि जैसे हे एवरीवन, माई सेल्फ पंकज एंड यू वॉचिंग योर लाइफ साइंस, इट्स एल आई एफ एस सी 5। आज का जो वीडियो है इसमें मैं एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एक नहीं एक्चुअली दो। तो जो फर्स्ट वन है वो है एक इन्फॉर्मेशन, एक कह सकता हूँ मैं एक खुशखबरी हम सब इलाका वासी के लिए, जो तहसील ज्वाली के आसपास के जो लोग हैं, स्पेशली जो यूथ, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है, इवन है। और दूसरा जो है वो एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से आप सब यूथ, स्पेशली यूथ के लिए एक रिक्वेस्ट है आप सब से। तो मैं ज़्यादा कोई टाइम ख़राब किए बिना मैं जल्दी से अपनी बात पे आता हूँ। तो जो पहला बात है हमारी, एक मैं जो कह रहा हूँ, एक हमारे पास गुड न्यूज़ है, एक खुशखबरी है हम सब के लिए। वो क्या है कि जैसा कि हमने देखा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारे यहाँ के, जो स्पेशली जो मेरी एज के हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या है कि उनको किसी भी टेस्ट की अगर तैयारी करनी हो तो उसके लिए हमें यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एक ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे जाके वो एक बच्चा वहाँ पे जाके एक एस्पिरेंट किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट की तैयारी कर सके, चाहे वो JOA का हो, चाहे वो नीट का हो, AIEEE का हो, NDA का हो, या कोई फर्दर कोई जैसे हमारे जो PGT हैं या TGT का तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात है कि हमें आसपास कोई ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है कि हम जहाँ पे जाके जहाँ पे बैठ सकें। आप थोड़ा इशारा समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे आसपास सबसे पास जो अवेलेबिलिटी है तो वो लोग या तो धर्मशाला जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, स्पेशली वो, हाँ ये मैं चीज़ ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, स्पेशली वो एस्पिरेंट्स या वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और उनके पास एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं है, जो कि एक इन्वायरमेंट एक एक पर्टिकुलर प्लेस एक लाइब्रेरी में जो मिल सकता है वो घर पे नहीं हो पाता है किसी के। इवन काफ़ी लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं इन सब चीज़ों में। तो मैं यही मैसेज जो है वो कन्वे करना चाहता हूँ हम सभी जो तहसील ज्वाली के आसपास के जो लोग हैं उन सब के लिए, कि हमारे इलाके में, हमारे ज्वाली में, हमारे ज्वाली के पास जो गांव है चलवाड़ा, वहाँ पे एक लाइब्रेरी जो है वो खुलने जा रही है, और वो लाइब्रेरी बिल्कुल फ्री है, विदाउट एनी कॉस्ट। आप वहाँ पे आके बैठ सकते हैं, वहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, आपको आप अपना मटेरियल लेके आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो क्या क्या है कि हमारे पास जो नीट के जो ड्रॉपर्स बैच हैं उनके लिए जो डाटा चाहिए होता है बच्चों के लिए, वो हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हों, चाहे NDA के बच्चे हों, चाहे JEE के हों, उन सब का डाटा तो हमारे पास है। बट बाकी जो है वो अगर कोई और अपने किसी पर्टिकुलर किसी भी गवर्नमेंट टेस्ट की या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहता है तो वो अपना सेल्फ स्टडी, सेल्फ जो मटेरियल है वो लेके यहाँ पे आ सकता है। जितना फैसिलिटीज़ हमसे हो सकेंगी हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर ही रहे हैं, और वो आने वाले टाइम में और भी अच्छी करवा दी जाएंगी और हो जाएंगी डेफिनेटली। सो यही मैसेज जो है वो कन्वे करना चाहता हूँ कि हमारे तहसील ज्वाली में, तो हमारे तहसील ज्वाली के पास जो चलवाड़ा गाँव है वहाँ पर एक लाइब्रेरी जो है वो खुलने जा रही है। और अगर खुलने जा रही है तो कब, तो कल का जो दिन है 23 मार्च, काफ़ी बड़ा दिन है, शहीदी दिवस है। तो उस दिन हमने सोचा है कि हम कल के दिन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। एक बिल्डिंग है हमारे पास, आप वहाँ आप अपना कोई भी मटेरियल लेके आ सकते हैं, और इवन हमारे पास भी कुछ अवेलेबिलिटीज़ हैं, कुछ बुक्स हैं, कुछ नॉवल्स हैं, तो आप हम वो भी आपके लिए इशू कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। जी हाँ, आपसे इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, और बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम एक नंबर आपको दे देंगे, आप आने से पहले एक बार ज़रूर कंफर्म कर लें। दिन में तो अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि दिन में तो ये ओपन रहेगी, बट आने वाले टाइम में ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि ये 24/7 थोड़ा सिक्योरिटी पर्पसेस यहाँ पे थोड़े अच्छे हो जाएं तो हम उसको 24/7 ओपन कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हम उसको जो डे टाइम है उसमें हम उसको ओपन रखेंगे, और अगर कोई भी आना चाहता है, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हम एक नंबर डाल देंगे, आप उस पर मैसेज करके या फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कि जैसे। और दूसरी बात रही, दूसरी बात वो एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से आप सब के लिए, स्पेशली वो यूथ जो आज गवर्नमेंट सेक्टर में है या किसी और सेक्टर में है, जो आज मतलब एक वेल सेटल लाइफ जो है वो जी रहा है, और सभी के पास जो है वो बुक्स अवेलेबल होती हैं। तो हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी के पास भी एक्स्ट्रा बुक्स अगर हैं और वो उसके किसी काम नहीं आ रही हैं, या वो किसी की तैयारी नहीं कर रहा, या वेल सेटल हो चुका है वो, तो वो बुक्स अगर वो चाहे तो वो हमें डोनेट कर सकता है। उसी नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम घर से आपके आके बुक्स पिक कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो आप खुद यहाँ पे आके दे सकते हैं। और बुक्स देने का इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैंने काफ़ी ये देखा है कि काफ़ी जो +1 +2 की बुक्स हैं काफ़ी कॉस्टली रहती हैं, और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं उनकी फैमिलीज जो है उनको प्रोवाइड नहीं करवा पाती वो बुक्स, इतना महंगे महंगे जो हैं वो बुक्स हो चुके हैं।
तो क्यों ना वो बुक्स जो हैं जो किसी के घर पे जो हैं वो ऐसे ही पड़ी हैं जो कि किसी के काम नहीं आ रही हैं बेसिकली, तो वो बुक्स क्यों ना हम वहाँ से लेके उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इस जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और बस उसी के चलते हमारे पास, वैसे पर्सनली मेरे पास भी जैसे मेरे बुक्स हैं या मेरे कज़न्स के, या मेरे पास जो दो चार सेट्स हैं वो तो मैं हर साल जो है वो बच्चों को देते हैं, इशू करते हैं पढ़ने के लिए, और उनसे वापस लेके फिर नेक्स्ट ईयर किसी को और को हम प्रोवाइड कराते हैं। बट फिर भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो रह जाते हैं बिना बुक्स के। तो ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा कोई बच्चा ना हो जो पढ़ने की कोशिश कर रहा हो और उसके पास एटलीस्ट किताबें तो उसके पास होनी चाहिए। तो हम सब मिलके जो है वो, हम सब यूथ स्पेशली, इस सब में मिलके हम इसमें अपना योगदान दे सकते हैं कि वो जो बुक्स आपके पास पड़ी हैं जो आपके काम नहीं आ रही हैं कि हम वो एक उन बच्चों तक उनको पहुंचाएं, उनको हर एक बच्चे तक जो है वो किताब पहुंचनी चाहिए। और वो भी किताब, वो जो किताब होगी वो हम विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो बच्चों तक आगे पास करेंगे। उसमें वैसा कोई भी नहीं है कि हम उसमें उनसे कोई चार्जेस लेंगे। अगर आप उसको डोनेट कर रहे हैं तो हम आगे भी उसको डोनेट करेंगे, बस हम उनको इश्यूज़ करेंगे बच्चों के लिए, और वो नेक्स्ट ईयर वो आके उसको वापस करें और नेक्स्ट ईयर हम उसको एक अच्छी चेन जो है वो बन सकती है। तो मैं आखिर में बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कल का दिन जो है वो बहुत बड़ा है, तो कल से ही लाइब्रेरी जो है वो ओपन हो जाएगी। कल दोपहर के बाद से आप जब मर्जी आके बैठ सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ओपन रहेगी। और किसी और आने वाले टाइम में हम अपने से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको 24/7 जो है वो इसको ओपन कर दें। जब हमारा थोड़ा सिक्योरिटी पर्पसेस जो है वो थोड़े ओके हो जाएँ तो तब हम इसको 24/7 ओपन कर देंगे विदाउट। और दूसरा, आप इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सब तक पहुँचाएँ, आपके नॉन जो होते हैं जो स्पेशली जो आज वेल सेटल हैं उन तक ज़रूर पहुंचाएं कि अगर उनके घर पे बुक्स हैं जो किसी के काम आ सकते हैं तो वो आई थिंक वो आने चाहिए सभी के। क्लियर कर देता हूँ आपको कि जो चलवाड़ा चौक है तहसील ज्वाली से, जो बाथुकलेरी साइड जब आते हैं तो जो चलवाड़ा चौक है उससे 100-200 मीटर पहले ही, पीछे ही लाइफ साइंसेज अकेडमीज हैं, उसी बिल्डिंग में जो है वो एक हम इसका कल शुरू कर रहे हैं 23 मार्च से। और आप सभी लोगों से ये है कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, आप इन्फॉर्मेशन जो है वो एटलीस्ट सब तक पास करें। थैंक यू वेरी मच।